गुड मॉनिंग फोर क्लास हा यू ऑल आई होप यू फाइन एट योर होम सो द चिल्ड्रंस एज वी नो दट वी आर गोइंग थ्रू विद द चैप्टर थर्टीन फ्राम सोशल स्टडी आर इंडस्ट्रीज इन प्रिवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड टूडे वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन आर कंट्री यानि हमारी कंट्री में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द आयरन एंड स्टील सो मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू सेटअप अ फैक्ट्री किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है मशीन्स की मशीन्स आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील मशीन्स किसके थ्रू बनती हैं मशीन्स को बनाने के लिए क्या लगता है आयरन एंड स्टील सो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेस ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो सारी इंडस्ट्रीज का क्या है बेस है क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हम सेटअप करते हैं चाहे वो टेक्सटाइल हो चाहे वो टूल्स मेकिंग हो लेकिन हमें क्या होता है उन सब चीजों के लिए आयरन और स्टील की जरूरत होती है तो इसलिए आयरन और स्टील इन सभी इंडस्ट्रीज की क्या है बेस है वी हैव हाँ स्टील प्लांट्स एट अब हमारे पास स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पर हैं जमशेदपुर झारखंड भिलाई छत्तीसगढ़ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल बकोरा झारखंड रॉकेला उड़ीसा etc सो so, these इंडस्ट्रीज रिक्वायर आयरन ore coal एंड मैगनीज these थ्री मिनरल्स आर available नियर बाय plants प्लांट्स तो इनकी इन इंडस्ट्रीज को किस चीज़ की रिक्वायर होती है आयरन ओर की होती है यानी कि रॉ मटेरियल ऑफ आयरन कोल, मैग्नीज़, इन सबकी हमें ये रिक्वायरमेंट होती है तो ये जो सारी ये जो थ्री मिनरल्स हैं ये कहाँ पर अवेलेबल है नियर बाय दीज प्लाट्स यहां पर जहां पर इन आयरन स्टील्स के प्लांट होते हैं वहां पर इनकी ये सारे जो मिनरल्स होते हैं अवेलेबल होते हैं सो सेकेंड इज हैवी इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल्स मशीन टूल्स आर यूज टू मेक अदर मशीन्स अब मशीन टूल्स बनाने मशीन टूल्स की जरूरत पड़ती है अदर मशीन्स को बनाने में हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है दिस इज द एच एम टी एच एम टी इज अ वेरी फेमस हिंदुस्तान मशीन टूल्स मेक्स मशीन्स टूल्स यानी कि बहुत ही फेमस एक इंडस्ट्री है जहां पर के टूल्स बनाए जाते हैं जो कि जिसको किसके नाम से है हिंदुस्तान मशीन टूल्स मेक्स मशीन टूल इनका वर्क होता है मशीन के जो मशीनों में जो बनने वाले जो टूल्स होते हैं यानी कि जो टूल्स हमें मशीन बनाने के लिए यूज करने होते हैं उन टूल्स को यहां पर बनाया जाता है इट हैज इट्स फैक्ट्रीज एट अब इसकी जो फैक्ट्रीज है वो कहाँ कहाँ पर है बेंगलुरु कर्नाटका पिंजौरे इन हरियाणा हैदराबाद इन तेलंगाना कोची इन केरला एंड अमजेर इन राजस्थान सॉरी अजमेर इन राजस्थान अ ब्रांच ऑफ एच एम टी मैन्युफैक्चर वॉचेस टू तो एच एम टी की जो ब्रांच है वो मैन्युफैक्चर करती है वॉचेस को भी आप जो रिस्ट वॉचेस या जो वॉल वॉचेस होती हैं आप एच एम टी की सभी ने नाम सुना होगा ना एच एम टी की वॉचेस तो ये जो एच एम टी होती है ये वॉचेस को भी मेकिंग का काम करती है नाव हैवी इलेक्ट्रिकल हैवी इलेक्ट्रिकल इज बी एच ई एल सो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मेक्स बिग जनरेटर ये क्या बनाती है बी एच एल जो कंपनी है यहां पर क्या बनते हैं बड़े बड़े जेनरेटर बनते हैं दे आर यूज टू प्रोड्यूस पावर इलेक्ट्रिसिटी जिनका के यूज किया जाता है पावर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए पावर इज इजेंशियल फॉर रनिंग इंडस्ट्रीज यानी कि पावर की जरूरत हमें बहुत ए, एक पावर जो होती है वो बहुत ही इजेंशियल है किसी भी र, इंडस्ट्री को चलाने के लिए इट हैज इट्स फैक्ट्रीज एट अब जो इसकी फैक्ट्रीज है वो कहाँ कहा पर है भोपाल मध्य प्रदेश हरिद्वार उत्तराखंड एक्सेट्रा नाउ द फोर्थ इज कॉटन टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ आर कंट्री देयर आर ओवर टू थाउजेंड कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लोकेटेड मोस्टली अराउंड मुंबई अहमदाबाद सूरत कानपुर चेन्नई एंड शोलापुर कॉटन इज ग्रोन मोस्टली इन द महाराष्ट्र एंड गुजरात देअर फोर मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर सिचुएटेड इन दीज टू स्टेट सो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो सबसे पुरानी इंडस्ट्री है भारत के अंदर और यहाँ पर कितने टू थाउजेंड कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं एटलीस्ट और सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर है महाराष्ट्र और गुजरात में तो इसलिए जो है यहाँ की जो देर फोर मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर सिचुएटेड इन दीज टू स्टेट तो सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो कहा पर है महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट के अंदर है नाउ इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम सो मोस्ट ऑफ पीपल इग्नोरेंट अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द कंट्री टू हेल्प रीच द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द पीपल गवर्नमेंट has established industries corporation. it has branches in each state it provides total known how to the people to set up an industry so kafi jo log hote hain wo kya karte hain Industries को जो होते हैं इंडस्ट्री रेवोल्यूशन को क्या करते हैं इग्नोर करते हैं तो इंडस्ट्री को और बढ़ाने के लिए यानी कि एक उसमें काफी रेवोल्यूशन लेने के आने के लिए गवर्नमेंट ने जिसमें काफी प्रोग्राम्स चलाए हैं उन्होंने काफी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है काफी इंडस्ट्रीज जो कॉरपोरेशन है उनको क्या किया गया है इस्टेब्लिश किया गया है जो कि इसकी जो और इनकी ब्रांचेस ऑलमोस्ट हर स्टेट में होती है इट प्रोपाइज टोटल नोन हाउ टू तो पीपल टू तो सेटअप इन इंडस्ट्रीज और ये जो होती हैं इनका इनका काम होता है कि वहां के लोगों को उस इंडस्ट्रीज में सेटअप करना इट ऑल्सो हेल्प दैम टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक फ्रॉम द फाइनेंशियल कॉपरेशन और ये ये जो कंपनी होती है इस तरह की हेल्प करती है कि लोग क्या कर सकते हैं बैंक से क्या कर सकते हैं लोन ले सकते हैं फाइनेंशियल कॉपरेशन के लिए तो देयर इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर आल्सो इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू हेल्प पीपल नाउ द ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली सो एवरी ईयर अ ट्रेड फेयर इज ऑर्गेनाइज न्यू डेली इन बिग लेवल तो बिग एक बड़े स्तर पर जो है हर साल जो है डेली में एक ट्रेड फेयर की आयोजन किया जाता है अ बिग परमानेंट प्लेस इज प्रगति मैदान इज रिजर्वड फॉर द ट्रेड फेयर हैल्ड ऑल द ईयर राउंड ठीक है न हर साल यहाँ पर के लिए एक परमानेंट प्लेस है जिसका नाम क्या है प्रगति मैदान ये एक रिजर्व प्लेस है कि जहाँ पर हर साल जो है एक ट्रेड फेयर लगाया जाता है ट्रेड फेयर जैसे कि आप सबने नाम सुने ही होंगे जहां पर हर तरह के व्यापारी के लोग आकर क्या करते हैं एग्जीबीशंस लगाते हैं अपनी चीजों की द मेन ट्रेड फेयर स्टार्ट फ्रॉम फोर्टीन नवम्बर एवरी ईयर फॉर अबाउट फोर्टीन डेज तो जो मेन जो हुआ था स्टार्ट वो कब हुआ था फोर्टीन नवम्बर को और हर साल कितने दिनों के लिए लगाया जाता है ये एक व्यापारिक मेला जिसे कहते हैं फोर्टीन डेज के लिए इसको लगाया जाता है ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज लार्ज स्मॉल एंड कॉटेज फ्रॉम एवरी स्टेट एग्जीबिट दियर प्रोडक्ट दियर तो यहाँ पर जितने भी सारे इंडस्ट्रीज के लोग होते हैं चाहे वो लार्ज स्केल में हो चाहे स्मॉल स्केल में वो यहाँ पर आके अपने प्रोडक्ट्स की एग्जीबिट करते हैं जिसमें काफी सारे लोग उनको आते हैं खरीदते हैं इंडस्ट्रीज फ्राम फॉरन कंट्रीज ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस फेयर और जो बाहर के देशों की भी जो कंट्रीज होती है फॉरेन कंट्रीज से भी लोग यहां पर आके इस फेयर में क्या करते हैं पार्टस लेते हैं मिलियन ऑफ पीपल विजिट द फेयर टू वॉच एंड बाय बहुत से लोग करोड़ों लोग जो है यहां पर आते हैं मिलियंस ऑफ पीपल यहां पर आते हैं चीजों इस प्रेयर को देखने के लिए और वहां से कुछ खरीदने के लिए दस दे बिकम अवेयर टू द इंडस्ट्री प्रोग्रेस टू आर कंट्री और इस तरीके से इंडस्ट्री के प्रति जो है अवेयरनेस लोगों के हमारे देश में बढ़ती है सो द चिल्ड्रंस चैप्टर इज कम्पलीटेड हि एंड नाउ द टाइम ऑफ एक्सरसाइज सो हे आर द टिक द करेक्ट आंसर इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री बैकवर्ड कंट्री एंड नन ऑफ दीज सो इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री यानी कि एक विकासशील देश है यहां पर अभी भी कंटिन्यू विकास जो है विकास की ओर बढ़ रही है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर मेनली लोकेटेड नियर जो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो ज्यादातर कहां पर होती हैं स्मॉल टाउन बिग सिटीज विलेज नन ऑफ दीज सो मोस्ट ऑफ दी जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं बिग सिटीज में इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बैटरीज बैंबू बास्केट कॉटन टेक्सटाइल ऑल ऑफ दीज तो कॉटन टेक्सटाइल का है कॉटन टेक्सटाइल इज द करेक्ट आंसर थिंग्स आर मेड फ्रॉम मशीन्स रॉ मेटीरियल पावर एंड वर्कर्स सो फर्स्ट चीज जो हमारे को किसी भी चीज के लिए बनाने के लिए चाहिए होती है वो क्या होता है रॉ मटीरियल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अटेज इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज सो This is large-scale industries. Now, the take the correct sentence. Natural resources do not give us raw material. This is wrong. Thousands of people work in the large-scale industries. Yeah, this is right. Most of the textile mills in Maharashtra and Gujarat. Yes, this is true. India is not an industrial country now. No, this is wrong. Machine tools are used to made other machines. Yes, yeah, this is right. Now fill in the blanks we need dash to convert raw material uh, into finished good ki finished good mein change karne ke liye kis ki hoti hai? Industry. a large number of people work in a large scale industries India is in fast becoming one of the most industrial nation people work with small tools and use raw material found nearby the iron and steel industries now this is नेम्स थ्री कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं से एम्ब्रॉयडरी ज्वेलरी एंड बाम्बू बास्केट स्मॉल स्केल स्मॉल इंडस्ट्रीज में होती है आपका